सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का आज डेट 13 है, 13वां दिन आ चुका है। 23 अप्रैल 2024 ट्यूसडे मंगलवार का दिन है, और 13वें दिन तक आते आते BMCM जो मूवी है वो एकदम ही बुरी तरह डिजास्टर हो चुकी है। चलिए आपको बताते हैं कि आज 13वें दिन का इसका कितना नेट ग्रॉस और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का प्रेडिक्शन आ रहा है, प्लस ये 13 दिनों में टोटल कितना नेट और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की है, क्या इसने अपना बजट भी रिकवर कर पाया है, या बजट भी रिकवर ये नहीं करके अल्ट्रा डिजास्टर हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम आज की एडवांस बुकिंग की बात करें तो 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपए बस BMCM की एडवांस बुकिंग हुई है, जहां इसका इंडिया से नेट कलेक्शन डे 13 में मात्र 1 करोड़ रुपए का सामने आ रहा है। वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 1.2 करोड़ का होगा। इसका ओवरसीज कलेक्शन 20 लाख रुपए के आसपास होगा, और जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है आज डे 13 में वो 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ समथिंग का होने वाला है। वहीं अगर हम इसके टोटल 13 दिन तक के कलेक्शन की बात करें तो पहले 13 दिन में इंडिया से नेट कलेक्शन 58 करोड़ 58 करोड़ का हो गया है। 13 दिन में ग्रॉस कलेक्शन 68 करोड़ 68 करोड़ का हो चुका है। इसका ओवरसीज कलेक्शन 13 दिन में ऑलमोस्ट 25 करोड़ का हुआ है, और जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 100 करोड़ के लगभग 95 करोड़ को क्रॉस कर चुका है और 100 करोड़ तक पहुंचने वाला है। वहीं अगर हम इसके बजट की बात करें तो 250 करोड़, 250 करोड़ रुपए बजट है बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी का, और इसने वर्ल्ड वाइड से अभी तक 100 करोड़ भी कलेक्शन नहीं किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मूवी अल्ट्रा डिजास्टर हो जाएगी, अल्ट्रा फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि अब इसका डेली का कलेक्शन 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं आने वाला है। इसलिए ये अब 250 करोड़ में से अपने 120 करोड़ भी रिकवर नहीं करेगी, और ये अल्ट्रा डिजास्टर और फ्लॉप मूवी साबित होगी। अब आप बताइए, आपको क्या रीजन लगता है अक्षय और टाइगर की, अली अब्बास जफर डायरेक्टर की BMCM फ्लॉप होने का? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।